नमस्कार फ्रेंड, ये हमारे बड़े भाई खेतों में थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को हो सकता है कि ना पहुंचे, माइक नहीं है, पर ये देखना होता है कि मेहनत किसान कितनी करता है और कितने लोगों ने किसानों को बेवकूफ़ बनाया और दुनियादारी की बातें बताई। मेरी आवाज़ आप लोगों तक हो सकता है कि बहुत धीमी पहुंचे क्योंकि माइक नहीं है, पर सज्जन व्यक्ति की पहचान हो जाती है। और ये देखिए, इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि इनको लगता है कि मेरी मेहनत ही काम करेगी। हिम्मत मर्दा मरते खुदा, कहावत गलत नहीं है, बात सही है, पर भाई जी से अगर थोड़ी सी बात हो जाती तो मैं भी ये बता देता आप लोगों को भी कि क्या कर रहे हैं ये। पर उनसे पहले, बात करने से पहले मैं इतना बता दूं, जानवरों का चारा है और जानवर पालने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं और क्या क्या हो जाता है। भैया आप बोलिएगा, तो भैया खेती कैसे हो पाती है आपकी? खेती जैसे होती है भैया, ऐसे करते हैं, जैसे खाद हुआ, पानी हुआ, जी हाँ लगाते हैं, फायदा होता है। अच्छा, खाद पानी लगाने के बाद में नुकसान क्या होता है आपका? अब नुकसान के लिए थोड़े करते हैं भैया, करते तो हम फायदे जैसे कि बहुत सारे खुले वो हैं ना, सांड हैं, हाँ सांड, नील गाय, हाँ हाँ, दुनिया भर की कहानी, ये सब तो नुकसान करते ही करते हैं फसल। अच्छा एक बात, आपको शायद आप बड़े बड़े हों या छोटे हों, जैसे भी मैंने सुना था कि बिहार में लोगों ने नेताजी को कुछ प्रेस किया तो उन्होंने ये बताया कि ये बनरोज हैं। हाँ चलो बनरोज है, और आप आज भी उनको गाय मानते हैं, नील गाय कहते हैं। हाँ जी, बनरोज वहाँ कहते होंगे, नील गाय हमारे यहाँ कहते हैं। नील गाय हमारे यहाँ कहते हैं, तो हमारे यहाँ अगर नील गाय कहते हैं और आज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका कुछ फायदा सरकार से कैसे मिलना चाहिए? अब ये सब तो आप ही बताओ भैया, कैसे मिलना चाहिए, हम क्या बताएं, क्या सहूलियत सरकार देगी हमको, क्या सहूलियत देगी? हम अपना बचाव करते हैं किसी तरह, तार तूर बांध के बेड़ा बूड़ा लगा के किसी तरह बचाव करते हैं, फिर भी नहीं बचता है। अब इधर देखो, हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है भाई जी की पूरी खेती, ये यहाँ पे खाद सिंचाई और पूरा व्यवस्था करते हैं, और इनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। जानवर के लिए इन्होंने बाड़ लगाई है, पर छलांग लगा के या नीचे से उतर के काट देते हैं, और हरियाली की कमी भी नहीं है। बहुत सा ऐसा कुछ है प्रोग्राम कि शायद सरकार समझे या ना समझे, भाई हम लोग देहात के हैं, और सही मैं बताऊं, यूट्यूब जाए तेल लेने, मैं खुद किसान हूं और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी किसान हैं। हो सके भाई लोग आप सपोर्ट करिए, कुछ करिए, और राजनीति से मुझे 1% मतलब नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या किसी को दिखा सकते हैं? भाई जी आपका नाम? हमारा नाम तुलसीराम है, तुलसीराम पाल है हमारा नाम, तुलसीराम पाल। इतनी मेहनत करते हैं ये, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब पे सिर्फ अपना क्राइटेरिया और मजदूरों के लिए क्या बताते हो?
सब कुछ है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप लोग जो भी बताते हैं गलत बताते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो होना चाहिए सही और अच्छा होना चाहिए। हमारे किसान अगर जीवित रहेंगे तभी आप जी पाओगे, मेरा चैलेंज है। ए, ये लो चुटकी की आवाज, चैलेंज है। मर जाएगा हिंदुस्तान जिस दिन किसान हुआ परेशान।